अंदर के नमस्कार शख्स, मैं हूँ सूरज पुसरला, मैं हैदराबाद से आया हूँ। रेज रूम में आप चीजों को तोड़ फोड़ के आपका गुस्सा निकल सकते हो बिना आपको ना किसी को भी चोट पहुंचाइए। रेज रूम में आपको बॉटल्स, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, एयर कंडीशनर सब मिलेंगे। और ये सारी आइटम्स इंतजार कर रहे हो आपका हल्क वाला रूप बनने के लिए। Nice. दुनिया में रोड रेज, फिजिकल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी प्रॉब्लम्स को रेज रूम थोड़ा कम करने के लिए चांस है। और रेज रूम अभी हैदराबाद में अवेलेबल है और हमारा रेजर्स ने 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स तोड़े। हमारा विजन है कि इंडिया को एक स्ट्रेस फ्री कंट्री बनाना और लोगों के एक यादगार डिस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंस देना। So my ask is 20 lakh for 30% equity. Wow. All right, चलो ask में तो गुस्सा नहीं दिलाया आप। तो शाक्स डील पक्की, वरना आत्या माजी नहीं नहीं वरना आप आके रेज्यूम डेमो ले सकते हो। क्या सोचा है? It's crazy. और हमारे दिल्ली में तो बहुत जरूरत है भाई। Definitely sir, आज डील होने के बाद हम दिल्ली में फ्रेंचाइज करेंगे। Awesome. I think डेमो देखते हैं। तो आओ तोड़ते हैं, कुछ तोड़ो आप। पीयूष और अमन, I think you guys need to have it out anyway. Let's do it. भाई हमारे लिए कुछ छोड़ दे। हो गया भारत। ऐसा आउटलेट अगर मिले किसी को अग्रेशन का, तो उसके बाद बार बार ये और जाता है, बिकॉज ये एडिक्शन भी तो होता है, हो सकता है ना। बेसिकली एन इंस्टेंट रिलीफ काइंड ऑफ थिंग वेयर यू गेट दैट एड्रेनलिन रश। एंड व्हेन आई हैव डन रिसर्च एज़ वेल, आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग एज़ एडिक्टिव एनीवेयर। शुड वी टॉक अबाउट योर बिजनेस? कितने लोग आते हैं? 200-250 अ मंथ। हाउ मच डज ईच पर्सन पे? 650-800 to 1500. एंड व्हाट इज योर रॉ मटेरियल कॉस्ट? सो वी हैव मल्टीपल पैकेजेस, सो इन ईच पैकेज अ क्रेट इज कॉमन। So crate pe they get bottles, keyboard, mouse, speaker and old telephone. So that crate costs us around 300-320 rupees. Which we kabadi wale se lato crate. We buy it from the recycling companies itself and we send it back for recycling after everything is done. What is your gross margin? Till now we have been doing like 1.5-1.6 lakh per month sale, out of which our rent is 50,000 and raw material stock and everything goes for 35,000 to 40,000. And salaries go for 26,000. तो आपका gross margin तो 30% ही बचा। So for 1.5 lakh sale we'll have around 70-75,000 of gross margin. Okay, 50,000 rupees, let's say. Yes. आपको कैसे लगा कि आप एक part-time business लेके आ जाओगे Shark Tank में? So basically started this as a side hustle because even I have few commitments which I have to bear, loans and all. So नहीं, आपके perspective से absolutely, पर investor का perspective तो वही होगा ना कि आप इसको अपने दिन के few hours दे रहे हो क्योंकि आपकी daily job है। तभी तो वो 30% दे रहे हैं ताकि आप आके कर लो ना। अच्छा ये no, sir. सूरज अच्छा है, डिफरेंट है थोड़ा, मैंने कभी देखा नहीं ऐसी चीज। आपने हमारे वो दिल्ली गुड़गांव के अंदर का जो एनिमल होता है वो बाहर निकाला आज। बट थोड़ा मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको करना है तो सीरियसली करो, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं होगे तो हम कैसे सीरियस हो जाएंगे। अभी अनफॉर्चुनेटली मैं आउट। सूरज मैं भी आउट हूँ और मैं आपको एक सीरियस फीडबैक देना चाहूंगी, बिकॉज मेंटल हेल्थ इन ग्लोबली इज अ सीरियस इशू। आई एम ऑफ द फर्म बिलीफ कि योगा, ब्रीदिंग, मेडिटेशन should be your first choice. अगर उससे आपका कुछ नहीं बने तो काउंसिलिंग।
वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल दैट वी डोंट मिसगाइड द पब्लिक. तो आप इसे एज एन एंटरटेनमेंट प्रमोट कीजिए, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट डोंट प्रमोट इट एज अ सॉल्यूशन टू एंगर मैनेजमेंट एंड मेंटल हेल्थ प्लीज. ओके थैंक यू. मुझे नहीं लगता कि इससे वो प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो वो सॉल्व हो रही है, वो शायद बढ़ सकती है. एंड विदाउट क्लियर इन लार्ज साइंटिफिक ट्रायल्स एंड स्टडीज, आई डोंट थिंक आई बिलीव इन द हाइपोथेसिस जो आप यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं इससे बाहर हूँ. ये सरासर जो आप कर रहे हो विदाउट डेटा विदाउट वैलिडेशन, ये बहुत गलत है. आई थिंक ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल है एंड इट्स नॉट अ बिजनेस. इस वजह से हम सूरज provided there is scientific proof, this is a good way to differentiate and get traction and break the clutter. Iske saath you will need a lot of side activities to make it a profitable business in case you want to do it. I don't think this is investable, to isliye main bahar hu. Okay Suraj, well done. Well done. Thank okay, you. Okay, bye. Thank you. Namaste Sharks, main Binal Shah from Ahmedabad. Namaste Shark, main Nitin Khope from Thane. नमस्ते शार्क्स, मैं प्रसाद फड़के फ्रॉम पुणे. और हमारी आस्क है 50 लाख्स फॉर 2% इक्विटी. अच्छा शार्क्स, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार क्या है? क्या है? एटम बॉम्ब, मशीन गन या सबमरीन? एक्चुअली शार्क, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार ये इतना सा छोटा 5 mm का मच्छर है. आज तक जितने भी जंगे हुए हैं उनमें करोड़ों मौतें हुई है, लेकिन मच्छरों ने उनसे कई ज्यादा मौतें दी है डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जीका इन बीमारियों से. दुनिया में सालाना 10 लाख लोगों की मौतें इन बीमारियों की वजह से होती है. और इनसे निपटने के लिए आज मार्केट में रिपेलेंट्स अवेलेबल है जो मच्छरों को सिर्फ भगाते हैं, यानी हम प्रॉब्लम शिफ्ट कर रहे हैं. और अगर हमें इस प्रॉब्लम को जड़ से हटाना है तो हमें इनकी रिप्रोडक्शन साइकिल को बंद करना पड़ेगा, इनकी आगे की जो पीढ़ियां है उनको नष्ट करना पड़ेगा. और इसी के लिए हमने बनाया है इको बायोट्रैप. And this is the only set, world's first set, which is 100% dengue mosquito free zone. यहाँ पे आपको डेंगू होगा नहीं सर. तो इसके लिए sharks जुड़ जाइए हमारे साथ इस जंग में, क्योंकि if they breed, we all bleed. इतने दिलचस्प आदमी पुणे में हैं और हम मिले नहीं हैं. नहीं मैम. और इसके अंदर कुछ पॉइजन सी पैकेट दिख रही है. दो चीजें है वो पाउच में. एक है एट्रैक्टेंट जो कि एनिमल खाद है बेसिकली. अच्छा. और उसी पैकेट में दूसरा एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड IGR है जो कि इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं उसको. पानी में मिक्स होने के बाद ये जो अंडे देती है मादा मच्छर वो अंडे को हैच नहीं होने देता है. तो कितना बिजनेस है, धंधा कितना बड़ा है? हमारा लास्ट ईयर का सेल्स था 84 लाख. उसमें कमाया कितना था? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 25% था. नेट एंड में कितना घर पे बचा? 4%. उसमें आपने अपने आपको सैलरीज दी है? नहीं, 4 साल से हमने कोई सैलरी नहीं. तो घर कैसे चल रहा था सेविंग से? नहीं, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में रेम्यूनरेशन लेती हूँ एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. और आप दोनों? मेरा सेविंग्स से चल रहा है पिछले 6-7 साल से, लड़ रहा हूँ. और आपकी भी सेविंग्स? मेरी भी सेविंग्स थी लेकिन इस साल आई एम ड्रॉइंग सैलरी. ओके, सो हैव यू रेज्ड कैपिटल? यस. तो कितना रेज किया? 1.25 crore. एट व्हाट वैल्यूएशन? 15 crore वैल्यूएशन. और ये कब किया आपने? पिछले जून 2022. अच्छा, मेरा डिसीजन बन गया है. आई टेल यू व्हाई आई एम आउट. फर्स्टली हैट्स ऑफ टू यू. इन 5 साल से आप लगे, क्या पैशन है, क्या आपने ऑलरेडी इम्पैक्ट दिखाया है. बट जो एक बिजनेस मॉडल चाहिए वो मैं डिफर करती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, आई थिंक अगर आप सैशे का बिजनेस करेंगे मुझे उसमें ज्यादा वैल्यू दिखता है. एंड ये पूरा गमला जो है ना, जो आपका वैल्यू प्रोपोजिशन है, आई डोंट अग्री विद दैट, बट आई विश यू द बेस्ट. थैंक यू नमिता. देखिए, जो काम आप धारावी में कर रहे हो जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टर को पैसा रिटर्न करने के लिए आपको इसको काफी बड़ी कंपनी बनानी पड़ेगी. मेरा ये मानना है कि ये कंटेनर में कोई ऐसा आविष्कार नहीं है कि और कोई ये पैटेंट को सर्कमवेंट करके बना नहीं पाए. मे बी विद सम अदर मटेरियल,
क्या ये सोल्यूशन एक साल में काम करेगा? आई डोंट थिंक सो. तो दीज आर द रीजंस आई एम आउट. गुड लक. बट ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है एंड आप काफी पैशनेट हैं आप, तो मैं आपको जस्ट ऑन दैट एक ऑफर देती हूँ. 50 lakh rupees फॉर 10%. इट्स अ ग्रेट ऑफर. हमारी वैल्यूएशन कम हो जाएगी सर. आपने देखे है ना शार्क टैंक के पिचेस, तो कोई भी कंपनी में मिलता है आपने देखा है मिलते हुए 25x ऑफ रेवेन्यू नहीं मिलता है. बिकॉज हमारे पास कंफर्म ऑर्डर्स थे, फिर फॉरेन कंपनीज had also shown lot of interest. नहीं करना. At least last वाला है. 15 crore is your logo. 15 crore इस business के लिए currently बहुत ही मुश्किल है. So best of luck to you. And yeah, I will definitely put 4 of these in my house. Thank you so much, sir. Thanks. Okay. Thank good you. Job. Thank all you. The best. Thank good luck. बहुत चलेगा आपका. मेरा नाम है अंकित. मेरा नाम है अंशुमान. और मेरा नाम है मोहित. और हम हैं founders of Two Balls. Balls एक मेंस इनरवेयर ब्रांड है जहां हम लेकर आए हैं एक इनोवेटिव पाउच अंडरवेयर. हमारी अंडरवेयर मेल ऑर्गन और टेस्टिकल्स को बॉडी से सेपरेट करते हुए एक बेटर कंफर्ट और बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करती है और साथ ही चेफिंग, रैशेस, इचिंग जैसे डिस्कम्फर्ट से भी छुटकारा दिलाती है. हम अपने अंडरवेयर को बनाने के लिए बीचवुड से बने हुए मोडाल फैब्रिक का उपयोग करते हैं जो कि कंफर्टेबल एंड एरी होने के साथ साथ एंटी माइक्रोबियल भी होता है. इसकी शुरुआत हमने 2023 में की थी. आज हम अपने प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट और 2 मार्केट प्लेस के थ्रू सेल कर रहे हैं. अभी तक हम 1000 पुरुष और 2000 बॉल्स को सपोर्ट कर चुके हैं. शार्क्स, हमारा विजन है कि हम दुनिया के हर आदमी को एक कंफर्टेबल अंडरवेयर देना चाहते हैं ताकि वो हर सिचुएशन में हमेशा कंफर्टेबल फील कर सके, कॉन्फिडेंट फील कर सके और उन्हें कभी भी कहीं भी एडजस्ट ना करना पड़े. शार्क्स, हमारा आस्क है 30 lakh rupees फॉर 5% इक्विटी इन आवर कंपनी. मैं कैन आई शो इट? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज आप दिखाइए. सो बेसिकली ये हमारा टू बॉल्स पाउच है और जब आप एक रेगुलर अंडरवेयर की तरह इसको पहनते हैं तो ये टेस्टिकल्स और मेल ऑर्गन को बॉडी से सेपरेट कर देता है. उसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है उनका और प्लस साथ में स्वेटिंग, रैशेस, इचिंग में भी रिलीफ मिलता है. प्लस साथ ही साथ एक एम्पल सपोर्ट रहता है ऑल डे लॉन्ग विदाउट कंस्ट्रिक्टिंग देम. ये सेपरेट होके टेम्परेचर कम होता है इसका? यस. आपने इसका साइंस पढ़ा है? यस. यू हैव डिस्कस्ड विद डॉक्टर्स? जी. तो योर प्रोडक्ट इज सेफ टू यूज? बहुत सारे डॉक्टर्स भी यूज कर रहे हैं. आप जरा प्रोडक्ट दिखा सकते हैं? यस. You can take it there. Thank you. So basically, हम लोग 3 कैटेगरी में अभी डील कर रहे हैं जिसमें हमारा ब्रीफ का MRP 699 है, ट्रंक्स का MRP 799 है और बॉक्सर का MRP 849 है. इसमें तो जॉकी आ जाता है. यस, बट हम भी प्रीमियम सेगमेंट में डील कर रहे हैं और अच्छे फैब्रिक और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं. बट अगर मेरे को सेम प्रोडक्ट जॉकी देता है तो मैं उसका ले लूंगा ना? जॉकी आपको पाउच नहीं देगा. आज नहीं दे रहा, कल दे देगा. कल दे देगा अगर इतना सेल बढ़ेगा. सर उस केस में तो हर चीज में है एक्चुअली. आप अगर उस तरीके से देखेंगे तो हर चीज में है, कॉम्पिटिशन तो है ही. आपके नंबर से पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो. हजार बिके अभी तक. क्या नंबर? 1000 ही बिके. कब शुरू किया आपने? जनवरी 2023 से. अच्छा, पिछले महीने किया, कितना सेल्स किया? अगस्त के महीने में हमने 1,64,000 की सेल की थी. अच्छा, और उसके पहले ग्रोथ क्या है? 1,65,000 का हमने जुलाई में किया था एंड जून में हमने 1,80,000 का सेल किया. अभी ये बिजनेस मुझे इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा है, टू अर्ली है और मुझे नहीं लगता आपको पैसे की जरूरत भी है अभी, तो मैं इसलिए बाहर हूँ. बट बेस्ट ऑफ लक. मेरे हिसाब से ये बिजनेस बहुत खराब है. दैट्स फाइन. ये थोड़ा क्या बोलते हैं, गिमिकी प्रोडक्ट है. Okay. और इट विल नॉट बी अ सीरियस बिजनेस एवर. आई एम आउट. मेरे हिसाब से इससे बेहुदा और वाहियात काम कोई नहीं. थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया आपने, आपने सोचा प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, कोई बिजनेस चल पड़ेगा. मैं आउट. गुड लक. मेरा मानना है भारत में अगर प्रोडक्ट बेहतर हो और दाम कम हो तभी लोग खरीदते हैं. आज मुझे लगता है कि आपने वो पूरी तरीके से प्रोडक्ट मार्केट फिट फिगर आउट नहीं किया है. आप इसे और परस्यू करिए और देखिए कि आगे चल करके राह कहाँ ले जाती है. मेरे तरफ से आपको बेस्ट विशेस. थैंक यू. मैं आउट. अगर ये मान लेते हैं आपकी टेक्नोलॉजी वर्क करती है तो सारी ब्रांड्स की 6 महीने में आ जाएगी. माय सजेशन है आप उनके पास खुद चले जाइए
उनको कुछ बेच के पैसा निकाल सकते हैं तो वो निकालिए. ऐसे बिजनेस बनाना विद दिस ब्रांड नेम एंड लोगो एंड प्रोडक्ट मुश्किल लगता है. आई एम आउट. बेस्ट ऑफ लक. ओके थैंक यू. चलिए प्रूव अस रॉन्ग. गुड लक. थैंक यू. गुड लक. गुड लक.